हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी बज रही हैं सुबह के 10 और अभी मैं जा रहा हूँ पनीर लाने, क्योंकि आज वीकेंड लॉकडाउन है, सैटरडे है, तो आज कहीं बाहर तो जा नहीं सकते पनीर लाने किसी सिटी में। तो हमारे गांव से यहाँ 5 मिनट के रास्ते पे दूसरा और गाँव है, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ पनीर लाने, क्योंकि वो वहाँ पर अपने घर में गाय के दूध का खुद ही पनीर बनाते हैं, जिसको कि देसी पनीर भी बोलते हैं। तो अभी मैं घर से आ गया हूँ, तो ये पीछे देख सकते हैं मेरा गाँव रह गया है, क्योंकि 5 मिनट और लगेंगे मुझे पहुंचने में। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा पनीर है, कैसा टेस्ट है, और क्या उसका टेस्ट सेम ही है जैसे कि हम बाज़ार वाले पनीर लेते हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो ये है कुछ ऐसा रास्ता, आसपास बड़े बड़े पेड़ हैं, खेत हैं जिनमें की फसल लगाई थी वो उन्होंने काट दी है। और यहाँ से व्यू देखिए, एकदम मस्त व्यू है। आज मौसम भी ठीक है, बादल भी हैं, उतनी ज़्यादा धूप नहीं है, और व्यू देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और हम चलते हैं आगे अब। और ये मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन मुझे घर नहीं पता कि किसके घर जाना है, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि पनीर कौन बनाते हैं, किसके घर में मिलता है। तो अगर कोई मिलता है तो मैं उनको पूछता हूँ। तो मैंने पनीर ला लिया है, वहाँ रास्ते में मुझे एक दीदी मिली, तो मैंने उनको पूछा कि यहाँ पर पनीर कहाँ पर मिलता है, तो उन्होंने मुझे घर बता दिया और वहाँ से मैंने पनीर ला लिया है, यहाँ मेरे बैग में है। अपने घर में तो हम बनाते रहते थे, लेकिन दूसरों के घर का पनीर इनका तो काफ़ी ज़्यादा बिकता भी है। तो चलिए देखते हैं अब, जिनके घर से पनीर लिया वो आंटी पीछे से देख रही हैं, क्योंकि वो खेत में था, वो खेत में थे आंटी, और घर में उनकी बेटी थी, तो उन्होंने फ़ोन करके बताया होगा। हाय, और रास्ता देखिए, बारिश हुई थी जिसकी वजह से रास्ते में जितनी भी मिट्टी थी वो सारी निकल गई है, अब तो खड्डे ही खड्डे बच गए। और मैं पहुंच गया हूँ घर में, और सबसे पहले मिलेंगे रिधान से, उसका रिएक्शन देखेंगे, उसको पनीर दिखाएंगे, उसको कैसा टेस्ट लगता है। पनीर पनीर खाना, पनीर खाना, पनीर थोड़ा सा टेस्ट करो, थोड़ा सा खाओ 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 खाओ, थोड़ा सा कैसा है नहीं पनीर, कैसे पनीर तिदान बोलो माऊ, पनीर कैसा, पनीर अच्छा है, नम नम आ करना, आ नम नम करना, नम नमी नमी लो, नमी नमी यम्मी यम्मी नमी नमी, आ करो, आ करो, नमी नमी बोलो, नमी 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 नमी। और अभी मैं और रिधान देख रहे हैं कार्टून। रिधान कौन से कार्टून है, ये कौन है, ये हाइडी जिडान है, बोला हाइडी, बोल हाइडी। तो अभी बजे हैं शाम के 4, और यहाँ रोड में गाड़ी आई है प्लास्टिक की, उसका प्लास्टिक का सामान है, टब बाल्टी वगैरह, और साथ में कुछ और सामान भी होगा, तो मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। अगर मुझे वहाँ पर कुछ पसंद आता तो मैं वो सामान लाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या लिया है। तो उससे पहले मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर गाड़ी आई है। तो मैं चलता हूँ, और फिर जो सामान लाऊंगा वो फिर आपको मैं बता दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये सामान मैंने कुछ लाया है वहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5 आइटम लाई हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इनमें क्या क्या है। ये तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रिज की वाटर बोतल हैं, ये 4 हैं, और इसके अंदर हैं जूस के गिलास कांच वाले, ये कुछ ऐसे रहने वाले हैं, और ये हैं 6, और उसके बाद नीचे हैं ट्रे, ये 3 ट्रे हैं, एक बड़ी छोटी फिर उससे छोटी, और फिर उसके बाद इसके अंदर है एक बड़ा शीशे का बाउल, और उसके साथ 4 छोटी छोटी कटोरियाँ।
तो ये बाउल रहेगा बड़ा वाला, और साथ में तीन तीन छः छः छोटी छोटी कटोरी, और एक और है इसके अंदर है प्लेन ग्लास जो कि जूस वगैरह के काम आते हैं, पानी पीने वगैरह के काम आते हैं, ये भी छः रहेंगे। तो ये कुछ मैंने सामान लाया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से था पूरा आज का दिन, और यहाँ पर करेंगे हम अपने ब्लॉग को एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उस पे जाके फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और तब तक मिलते हैं एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।